गाइस ये देखो अपना आया मोनो गोल्ड का प्योर एकदम ओरिजिनल मांझा। ओ भाई पीले के साथ पैसे कैसे लड़ रखे हैं, रिसीव करी होगी भाई। ओ भाई ओ भाई बाय 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 बाय। गुड आफ्टरनून गाइस, क्या हाल है। मेरे को लगता है जहाँ तक की बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो भाई देखो इतनी रिक्वेस्ट के बाद इतनी रिक्वेस्ट आई कि क्या बताऊँ आपको। 3 साल के बाद मैं पहली बार ही एक अनबॉक्सिंग वीडियो डालने वाला हूँ जो कि आपका फेवरेट गट्टू रहा है। और मैंने सच में बताऊँ भाई अनबॉक्सिंग करना ख़त्म ही कर दिया था। तो गाइज हम निकले हुए 11 बजे के आज, और अभी हम जाके 2:30 बजे आए हैं अपने घर असली मांझा लेके। क्योंकि भाई हम हर तरह की दुकान पे गए, हर जगह देखा हमने कि भाई वो कहाँ से कहाँ मांझे देखेंगे। सब लोग हमें को नकली चेपने में लगे हुए हैं, उन्हें लगता है हम लोगों को पता ही नहीं। 600, 750, 700, 800, 800 इतने के मंजे के गट्टू बेच रहे हैं और वो भी नकली। तो हमें एक बड़ी मुश्किल से एक दुकान मिली जिस पे हमने देखा यार ये मांझा, और हमें ठीक लगा। और क्योंकि हमारी एक पहचान है जो कि मैं अब आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना तभी आपको उस पहचान के बारे में पता लगेगा और तभी आप असली मांझा ले पाएंगे। तो गाइस ये देखो अपना मांझा आ गया, और मांझा किस में मिला है देखो, काली पन्नी में। क्योंकि भाई देखो ये सब चीज़ें मिलती नहीं है मार्केट में और बड़ी मुश्किल से मिलती है, और जब मिल जाती है तो ऐसी पन्नी में मिलता है हम लोगों को मांझा। तो आओ जब हम पन्नी खोलते हैं। तो गाइस ये देखो अपना आया मोनो गोल्ड का प्योर एकदम ओरिजिनल मांझा। और ये देखो ये जो मांझा है आपको सेम पैकिंग में नकली भी मिलेगा और असली भी मिलेगा। तो गाइस जो हमें बहुत दुकानदार थे सब चेपने की कोशिश करते रहे कि भाई आप नकली ले लो, पर हमने लिया भाई असली है। देखो आप लोग भी पहचान नहीं सकते हो नकली और असली में फ़र्क अगर आपको ये चीज़ न पती हो, क्योंकि अगर नहीं पता होगी आप लोगों को भी बिल्कुल सेम पैकिंग रहती है यार, कुछ मतलब अंतर ही नहीं रहता उसमें। बिल्कुल सेम पैकिंग, सेम कलर, सेम सब कुछ, बिल्कुल सेम ए टू जेड मतलब बिल्कुल ऊपर से नीचे तक सेम होता है। बस एक फ़र्क होता है इसमें, देखो आपकी उंगली पूरी कभी नहीं जाती। ये देखो हमारी पूरी उंगली अटक चुकी है इसमें, और यही एक पहचान है जब से मांझा कभी मोनो गोल्ड ने बनाया होगा आज तक उसकी एक ही पहचान रही है कि भाई उसमें पूरी उंगली कभी नहीं जाती। ये देखो अटक गई, उसके बाद नहीं जा रही। ये देखो ये वाली भी अटक गई, अबे ये तो अटक गई सच में। ये वाली देखो ये भी अटक गई, अंगूठा बिल्कुल नहीं जा रहा। तो ये असली पहचान है असली मोनो गोल्ड की। तभी बस अगर आप 2018 से कभी मतलब जब भी आप यूज़ कर रहे हो ये मांझा, अगर आप कभी भी दुकान पे जाओगे ना और कह दोगे कि भाई आपको कोई भी मांझा चेप रहा हो मोनो गोल्ड का, तो भाई अपनी उंगली डाल के देख लेना भाई ये नकली है, रख ले इसे अपने पास, हमें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए ओरिजिनल वाला। फिर वो बताएगा आपको असली रेट क्या आते हैं ओरिजिनल वाले के। तो हम खोलेंगे, पहली बार मांझा खोल रहे हैं चैनल पे, पूरे 3 साल बाद पहली बार एक मांझा खुलने वाला है। ओफो ये भाई 2022 की पैकिंग सपा, और ये हमारा आ गया भाई पूरा का पूरा एकदम मस्त गट्टू हम लाए हैं ग्रीन कलर में। और ये देखो यहाँ पे कैसे छोटी सी एक गांठ है, ये तो भाई खुल भी नहीं है। ये लो ये देखो भाई अपना मांझा आ चुका है, और भाई देखो कितना मस्त मांझा लग रहा है। थोड़ा सा निकाल लेते हैं फिर देखते हैं भाई कैसा है। मांझा जो है बहुत अच्छा खासा स्ट्रेचेबल है, अब ज़्यादा मांझे स्ट्रेचेबल रहे नहीं है, बट चलो तोड़ के देख लो। अबे भाई ये तो बहुत स्ट्रेच हो रहा है लिटरली भाई, फ्लेक्सिबल नहीं है बट ये स्ट्रेच होने के बाद अब देखो यहाँ से टाइट हो गया है, टूट नहीं रहा है। मैं तो नहीं तोड़ता हूँ भाई, मेरे हाथ कट जाएंगे, सीधी सीधी बात है भाई। लो भाई टूट गया, और टूटने के बाद देखो ये कैसा हो गया है, क्योंकि भाई मांझा थोड़ा बहुत खींच रहा है, और खींचने की वजह से इसमें देखो स्प्रिंग टाइप के बन गए हैं। धार देख सकते हैं बिल्कुल एकदम धूप में, देखिए कैसे चमक रहा है मांझा। कि भाई जब देखो मोनो गोल्ड कंपनी कभी शुरू हुई होगी तो उसने क्या किया था कि अपनी एक कोई डाई बनाते हैं, डाई इन द सेंस मतलब एक कास्ट होता है जिसमें ये लोग प्लास्टिक पोर करते हैं उसे गलाने के बाद, और जिसमें ऐसा करके एक ढांचा सा बन के आता है जिसमें भाई उंगली हमारी नहीं जा पाती। अब वही ढांचा लोगों ने नकली लोगों ने कॉपी करने की कोशिश करी, बहुत कोशिश करी पर नहीं कर पाए, तो आज तक नहीं कर पाए। तो बस यही ओरिजिनल मोनो गोल्ड की पहचान है, और आप चाहे किसी भी असली दुकान वाले पास जाओगे आपको हमेशा 2 गट्टे दिखेंगे, एक नकली और एक असली, चाहे पैकिंग कोई भी हो। आपको पैकिंग से कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, आपको असली देखना आना चाहिए कि भाई ये, अगर आपको 2022 वाला गट्टू लेना है तो इस टाइप में मिलेगा, और 2021 वाला लेना है या 2018, 2019, 2020 इतने साल चले गए लेना है तो वही अपना जो पुरानी पैकिंग चल रही है जो आपने कभी वीडियो देखी थी वही वाली पैकिंग है। तो बस यही है बस अपना मोनो गोल्ड, अब देखते हैं पतंग उड़ा के, देखते हैं भाई कितनी पतंग कटती है, देखते हैं आसमान सुपड़ा साफ होगा नहीं होगा। चलो भाई अर्षित भाई हो जाए फिर शुरू, ठीक है भाई। चलो भाई भाई अर्षित भाई अपनी पतंग तैयार कर रहे हैं, क्या आवाज़ है क्या डिजाइन लेके आए हो पिछले साल के, बिल्कुल नई पतंग खरीद के इन लोगे मतलब है। अबे नकली पतंग, नई पतंग लाए थे खरीद के गाइस यार दुकान पे। अर्षित भाई भी कमाल है यार, इनका तो कुछ कह ही नहीं सकते, वहाँ चोर आए दुकान पे। ये अपना रखा मांझा, अब इसे उड़ाते हैं, और जो दो चार पतंगे उड़ रही है यहाँ पे इन्हें भी साफ कर देते हैं, क्योंकि भाई
रिव्यू तो जब ही आएगा जब पता लगेगा पतंग कट रही है नहीं कट रही। क्या पता बेकार हो, गोबर मान जाओ फिर क्या करेंगे। हर्षित भाई पतंगबाजी क्या बात है, सोते उठते पतंगबाजी करनी शुरू कर दो तुम। तो गाइस वो देखो अपनी पतंग मक्का खतरनाक तरीके से, और बच्चे भी फुल कमेंट्री कर रहे हैं, कह रहे हैं हन्नी भाई पतंग काट के दिखाएंगे आज। ओ भाई हर्षित भाई क्या कर रहे हो तुम? पता नहीं कहां बढ़ा रहा। ओ भाई वो लग रहा आसमान के अंदर लेके जाएगा, बादलों में आसमान की ऊंचाइयों में कोरा ही कोरा। तो भाई देखो वो गया अपना वाइट पतंग और अपना तो उड़ रहा है मस्त, और हर्षित भाई फुल फॉर्म में आ गए, नीले वाले की पतंग लेके जाएंगे। क्या लगता है हर्षित भाई कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल। और ये वो गया नीले वाले। तो गाइस देखो वहाँ पे देखो एक बच्चा उड़ा रहा है पतंग खतरनाक तरीके से, उसने बहुत दूर उड़ा रखी है मतलब अति दूर। वो देखो वो उसकी पतंग है और अपनी पतंग का है अपनी येरी। और भाई देखो इसकी पतंग में हत्ता मारेगा हर्षित भाई, कह रहा भाई वो भाई वो भाई 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 यो गया 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 यो गया। अरे भयंकर निकाल लिया उन्हें सौरे ने, चोर कहीं का। चलो टप्पो, ओहो क्या बात है क्या बात है। ओ भाई पीले के था पेचे कैसे लड़ रखे हैं रिसीप ने। अरे और जो किचन तारी होगी। तो गाइस फिलहाल आपने देखा हमने कैसे पतंगे काटी मोनो गोल्ड से, मेरे को ठीक मांजा लगा, मतलब ज्यादा बढ़िया भी नहीं है और बढ़िया भी मांजा है। तो गाइस हर्षित भाई आप कैसा कहना चाहेंगे मांजे को? मांजा ठीक है, एवरेज एवरेज है। क्वालिटी पहले से तो गिर गई है, पहले से क्वालिटी गिर गया ये बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि भाई हर मांजे के साथ ऐसा हुआ है, स्ट्रेचेबल थे पहले मांजे और आप कम स्ट्रेचेबल रह गए हैं, और कुछ मांजे तो स्ट्रेच ही नहीं होते हैं। आपको लेना है तो भाई आप ये ले सकते हैं मोनो गोल्ड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, खींच भी रहा है, स्ट्रेचेबल आपको पसंद है ठीक है। अगर आपको बड़ी पतंगें उड़ानी है तो मैं आपको मोनो गोल्ड ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि बड़ी पतंगें इससे आराम से संभाल ली जा सकती है और काफी बढ़िया उड़ती है बड़ी पतंगें, मैंने जहाँ तक देखा है ठीक है। अगर छोटी पतंगें आपको उड़ानी है तो भाई और आप और भी मोनो के मोनो काइट हो गया, मोनो फाइटर हो गया ठीक है, गो इंडिया गो हो गया, ये इन गट्टू पर जा सकते हैं ठीक है। लेकिन आपको अगर बड़ी पतंगों का शौक है उड़ाने का तो आप मोनो गोल्ड में जाइए बेशक ठीक है, आप इसको लिए कोई दिक्कत नहीं है, और मांजा भी सही है, अगर आपके हाथ में कला है काटने की तो आप इससे भी काटो। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो जहाँ तक मेरे को लगता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, पसंद आए तो क्या करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब और सारे ब्लॉग्स देखने हैं बाकी के, मिलते हैं एक और एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।